केंद्र सरकार के एक फैसले से बिहार के मखाना उत्पादक किसानों को काफी फायदा होने जा रहा है। अब उन्हें उन्नत किस्म के बीज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अधिक उत्पादन देने और सबसे अधिक मांग वाले प्रमाणित बीज को बेचने के लिए केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है और उम्मीद की जा रही है कि मखाना उत्पादन में बढ़ोतरी आएगी और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। वहीं मखाना को GI टैग देने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। GI टैग मिलने के बाद मखाना के निर्यात में तेजी आने की उम्मीद है। बिहार के कृषि सचिव ने कुछ समय पहले बताया था कि केंद्र सरकार ने मखाना किसानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बीज को अधिसूचित कर दिया है। केंद्र सरकार ने बीज अधिनियम के अंतर्गत सबौर मखाना 1 के बीज को कृषि उत्प्रयोजन के लिए बिक्री किए जाने के लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है। सबौर मखाना 1 का बीज किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। केंद्रीय बीज समिति से परामर्श के बाद सबौर मखाना 1 के बीज को कृषि प्रयोजन के लिए बिक्री किए जाने के लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई है। मखाना वैज्ञानिकों की टीम, कृषि विभाग और बिहार राज्य के किसानों के लिए यह किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। राज्य सरकार सबौर मखाना 1 किस्म की खेती 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में कराने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद किसानों को प्रमाणित बीज मिलेगा और इसमें मिलावट की आशंका नहीं रहेगी। वे इसकी खेती कर अपना उत्पादन बढ़ाएंगे। इससे किसानों को तो फायदा होगा ही, साथ ही मखाना से जुड़े उद्योग को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। हाल ही में राज्य के कृषि मंत्री ने बताया था कि बिहार सरकार मखाना की खेती और इससे जुड़े उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली मिशन में भी इसे शामिल किया गया है। देश में कुल मखाना उत्पादन का 80% से अधिक सिर्फ बिहार में ही होता है। ऐसा नहीं है कि पूरे बिहार में मखाना की खेती की जाती है। मिथिलांचल में प्रमुख तौर पर और सीमांचल में भी इसकी खेती होती है। मधुबनी और दरभंगा जिले के किसान बड़े स्तर पर मखाना उत्पादन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।